सनातन धर्म में देवताओं के शिल्पकार, सृष्टि के पहले वास्तुकार, सृष्टि के पहले इंजीनियर विश्वकर्मा की पूजा करने से संपत्ति कारोबार में बढ़ोतरी होने की मान्यता बताई गई है। भगवान ब्रह्मा के सातवें पुत्र विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो उसे सजाने, संवारने और निर्माण करने का कार्य विश्वकर्मा को ही दिया था। इसकी अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही होती है और पूरे देश में जो विश्वकर्मा जी का की पूजा का आयोजन सभी जितने भी हमारे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें उनके निमित्त उनकी पूजा की जाती है और यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है। तो विश्वकर्मा भी एक हमारे देवता हैं, जो स्वर्ग में जिनका निवास है, ये देवों के शिल्पी हैं। जैसा कि प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से द्वारिका का उस नगरी का भी निर्माण भगवान कृष्ण जी की आज्ञा से हुआ था और लंका नगरी को जब हनुमान जी ने जला दिया था तो विश्वकर्मा जी का जो आवाहन किया लंका नगरी का पुनः निर्माण कर दिया और वो ये मालूम नहीं हो पाया ये नगरी इस प्रकार थी, पहले से भी सुंदर वो नगरी दिखाई देने लगी। इसीलिए 17 सितंबर को जो ये विश्वकर्मा जी का भी हम उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा से सभी हमारे जो कार्य हैं वो भली भांति सिद्ध होते हैं। निर्माण कार्य का जो संबंध है वो विश्वकर्मा से है। जिस प्रकार जो देव शिल्पी बताया इनको विश्वकर्मा जी को, देव शिल्पी होने के नाते जो विश्वकर्मा जी हैं वे सभी पूरे हमारे ब्रह्मांड में जितने भी अपना वो हैं लोग हैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं और विश्वकर्मा जी की पूजा का भी 17 सितंबर को ही दिन रखा गया है जिस दिन उनका जन्म हुआ था। तो इसी प्रकार जो विश्वकर्मा जी की पूजा करने से सभी के उद्योग, सभी के जितने भी कार्य हैं, कोई लोहे की फैक्ट्री है या कपड़े का कारखाना है, सभी से संबंधित जो सभी इनको मनाते हैं कि भाई हम विश्वकर्मा जी की पूजा करें और हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, तो उस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी की पूजा यदि हम विधि विधान से करते हैं तो हमारा जो रोजगार है, हमारी फैक्ट्री है, हमारे जो कल कारखाने हैं उनका कार्य उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होगी। उनकी पूजा करने से धन धान्य का लाभ, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है।